श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को समर्पित यात्रा 8 नवंबर को श्रीनगर कश्मीर से चलकर जम्मू पहुंची। 9 नवंबर को ये यात्रा जम्मू से अनंतपुर साहिब पंजाब तक चली। 10 दिसंबर को गुरुद्वारा अनंतपुर साहिब से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली के लिए झंडी दिखाकर इस यात्रा को विधिवत अरदास कर रवाना किया गया। कुरुक्षेत्र में यात्रा का सरदार अमीर सिंह व साथियों ने जोरदार स्वागत किया, जिसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पंजाबी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर कुलदीप सिंह, कैप्टन परमजीत सिंह, सरदार करनैल सिंह, इंदरजीत, हरविंदर पाल सिंह, जगतप्रीत सिंह और साथ उनके साथ रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी की ओर से जत्थेदार हरभजन सिंह मसाना, मीत सकत्तर परमजीत सिंह दुनिया माजरा, मैनेजर गुरुद्वारा छठी पातशाही अमरिंदर सिंह, सरदार जसवंत सिंह दुनिया माजरा, तेजिंदर सिंह सिहापोश, सरदार राजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सरदार अमीर सिंह जी ने बताया कि यात्रा को लेकर सिख संगत व खास तौर पर जम्मू कश्मीर की संगत में बहुत उत्साह था। गुरु नानक मिशन है, ये एक यात्रा पे निकला है, इसका मकसद क्या है? ग्लोबल गुरु नानक मिशन यात्रा पे निकला है। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को समर्पित यात्रा ये कर रहे हैं, जिसमें हमारी सबकी मांग ये है कि जो 11 नवंबर 1675 को यहाँ अत्याचारी औरंगजेब के आदेश पर गुरु साहिब का शीश यहाँ गढ़ से अलग किया गया था, उस समय को लगभग 11 बजे का वो समय है, तो पूरी दुनिया के सभी देश 11 नवंबर को 11 बजे 2 मिनट का मौन रखें। और इसके लिए हमने विश्व भर के सभी देशों से निवेदन किया है। नई दिल्ली स्थित उनके जो दूतावास हैं, राजदूत महोदय हैं, उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमने इसमें जोड़ने का काम किया है, सबसे निवेदन किया है और सभी ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। विदित हो कि डेरा कार सेवा महापुरुष बाबा चरण सिंह जी मौजूदा महापुरुष बाबा कश्मीर सिंह जी के यहाँ 26 सितंबर 2022 एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब व दिल्ली प्रांत के बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। श्रीमान बाबा पाला सिंह जी व महापुरुषों के आशीर्वाद से इस यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर कश्मीर से गुरुद्वारा शीशगंज साहिब चांदनी चौक के लिए ग्लोबल गुरु नानक मिशन के बैनर तले चल रही गुरु तेग बहादुर बलिदान को समर्पित जन जागरण यात्रा के संयोजक सरदार बिक्रम सिंह ने बताया कि ये अमर बलिदान विश्व भर में जन जन तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता है। ग्लोबल गुरु नानक मिशन के सह संयोजक प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय विभाग संदीप त्यागी रसम ने बताया कि वर्ष 1675 की 11 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के अत्याचारी शासन से मानवाधिकारों व मानवता की रक्षा करते हुए चांदनी चौक में, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थित है, उस स्थान पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। औरंगजेब की संकीर्ण मानसिकता के कारण कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए असहनीय अत्याचार बढ़ने पर गुरु तेग बहादुर जी से संपर्क किया गया। औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्ति हेतु गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु नानक ग्लोबल मिशन यूनाइटेड नेशंस सहित विश्व भर के सभी देशों की सरकारों से उनके नई दिल्ली स्थित दूतावास के माध्यम से संपर्क किया गया, जिसमें सभी देशों से 11 नवंबर को दिन में 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देने की अपील की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर जसवंत सिंह चेयरमैन, सरदार सुरजीत सिंह उप चेयरमैन, संयोजक बिक्रम सिंह, सह संयोजक संदीप त्यागी रसम, जगजीत सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, अनिल चौधरी, गिरिराज सिंह, हरप्रीत सिंह आदि सहित सैकड़ों मातृशक्ति युवा सहित वरिष्ठ जन श्रद्धा पूर्वक श्रीनगर कश्मीर से दिल्ली तक चले। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के विद्यार्थियों ने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से पूरे आयोजन को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट कर विश्व भर से लाखों लोगों को जोड़ा। सैकड़ों विद्यार्थियों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर अपना हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वापसी में यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी को बड़ खालसा नमन करते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ी।